हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे और आपके चैनल विजाता नर्सिंग होम गार्डन पे। आज हम बात करेंगे हमारे फिरो कैक्टस के बारे में। उन पर बहुत ही सुंदर कलर के फ्लावर आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप सभी लोगों से इसको मैं शेयर कर लूँ। मैं आज आपको बताऊँगा कि इसको ग्रो कैसे किया जाता है, इस पर फ्लावरिंग किस टाइम में आता है, किस स्टेज पर ये प्लांट कैसा दिखता है। इसके लिए हम बात करेंगे कि सबसे पहले इसको फ्लावर जो है वो येलो कलर के फूल आते हैं। जो स्पीसीज मेरे पास है उसमें सिर्फ येलो कलर ही है। इसमें लगभग मेरे पास चार अलग अलग स्पीसीज है जो मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन कौन सी स्पीसीज है। तो हम बात करते हैं कि इसको ग्रो कैसे किया जा सकता है। फिरो कैक्टस को ग्रो करने का एकमात्र तरीका होता है वो है कि इसको सीड से ही ग्रो किया जा सकता है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी भी प्लांट को साइड से कभी कोई बेबी निकला हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके सीड कोट होते हैं वो इस तरीके से लगते हैं। ये मेरे लास्ट ईयर का सीड कोट है। ये मेरे पास बहुत सारे सीड कोट है, अलग अलग है। जिन पोट्स में सीड नहीं बनते हैं वो फ्लावर आने के बाद ऐसे अपने आप सूख जाते हैं। सीड पोट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये सीड पोट है, इस एक सीड पोट के अंदर हजारों सीड्स होते हैं। इसके लिए हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखना कि इसमें कितने सारे मल्टीपल सीड्स हैं। ये टोटल फिरो कैक्टस के सीड हैं। आप इन्हें निकाल के ड्राई कर सकते हैं और स्टोर कर ले, तो इससे ये अच्छे से उगते हैं और बहुत अच्छी तादाद में जर्मिनेशंस होती है इनकी। सीड से ग्रो होने के बाद साल पुराना सीडलिंग प्लांट है ये, और ये सेम ही प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किया था। इसके बाद में मेरे पास जो स्पीसीज है, एक ये फिरो कैक्टस की स्पीसीज है जिसमें येलो कलर के काटे हैं और इनमें रेड कलर के काटे हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, ये मैंने ग्रो नहीं किया है, ये ऑनलाइन परचेज किया था। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है और जो इसके काटे हैं वो बहुत ही कम है। जो इसकी दूसरी स्पीसीज है वो ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो काटे हैं वो रेड कलर के हैं बट थोड़े कम हैं। जिस तरीके से इन कांटों ने एक पूरा राउंड बनाया है उस तरीके से इसमें काटे नहीं हैं। इसके बाद में मेरे पास जो फिरो कैक्टस मैंने सीड से ग्रो किया था उसी में से एक ये प्लांट है। इसमें नेचुरल वेरिगेशन है, ये अपने आप हाफ पार्ट इसका वेरीगेट हो गया है और हाफ इसका ग्रीन कलर का है। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी धूप के कारण ख़राब हो जाती है, बाकी ये दिखने में बहुत ही सुंदर प्लांट है जो सीड से ग्रो हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फिरो कैक्टस ये मेरा 4 साल पुराना सीडलिंग है जो मैंने इसको छोटे पोट में रखा है। नेक्स्ट टाइम मैं इसे एक बड़े पोट में शिफ्ट करूँगा। इसके बाद जो इसमें मेरे पास दूसरी वेराइटी है वो ये वैरायटी है। दोनों में काटे का बड़ा ही डिफरेंस है। जैसे कि इस प्लांट का जो सीड काटा है वो हुक शेप में है और इसका जो काटा है वो बिल्कुल से सीधा है और बहुत ही लंबे हैं। ये बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है, बट उसके कंपैरिजन ये इतने स्ट्रोंग नहीं है, इतने मजबूत नहीं है और इनकी शेप बिल्कुल सीधी है। तो ये तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फिरो कैक्टस है। अब बात करते हैं कि हम इनकी केयर कैसे करें। तो फिरो कैक्टस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रखें। जितनी ज़्यादा धूप इनको मिलेगी प्लांट उतनी ही अच्छी ग्रोथ लेता है व साथ में उतने ही अच्छे फ्लावरिंग देता है। एक प्लांट को फ्लावर देने के लिए लगभग 5 साल का पीरियड लग जाता है। सबसे बड़ा जो प्लांट है मेरा जो इज अराउंड 45 से 50 के बीच में है, मैं आपको वो वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊँगा कि मेरा जो बड़ा फिरो कैक्टस है उसकी हाइट लगभग 4.5 फुट है और एज उसकी लगभग 45 से 50 के बीच में है। ये लगभग जो फिरो कैक्टस है जो सेम स्पीसीज के हैं उसी के साथ मैच करते हैं, उसी के सीड से ग्रो किए हैं। और जब प्लांट ओवर एज होने लगता है या उसकी एज बढ़ने लगती है तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी जो लास्ट एंड है उसमें इस तरीके से ब्लैक कलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है और चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ के तो कांटे टूट जाते हैं और कुछ के रह जाते हैं। इसके बाद ये प्लांट ऊपर से हरा होता है, अच्छे से ग्रो करता रहता है, पर नीचे से इसमें
चेंजिंग आ जाती है। इन लगभग के फ्लावर सेम कलर के हैं और सेम ही फूल है, इसमें ये स्पीसीज थोड़ी सी डिफरेंस है, तो इसके फ्लावर भी थोड़े डिफरेंट है और इस प्लांट की शेप भी बहुत अलग है। अगर आपको फिरोकैक्टस ग्रो करना हो तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप ध्यान रखें कि फिरोकैक्टस को ग्रो करने के लिए जो सॉइल मिक्सर आप इस्तेमाल करते हैं वो वेल ड्रेन होना चाहिए, आपके प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिले, आप उसे कम से कम पानी दें। आप अगर उस प्लांट में ज़्यादा पानी देते हैं तो आपका प्लांट मर जाएगा, फंगस लग जाएगी। फिरोकैक्टस में किसी भी प्रकार के इंसेक्ट या कीड़े का हमला नहीं होता है, तो उसे किसी भी प्रकार के स्प्रे की नीड नहीं होती है या इंसेक्टिसाइड की भी नीड नहीं होती है। आप अपने कैक्टस में 15 से 10 दिन में एक बार फंगिसाइड सप्लाई करें। साथ में आप अगर अच्छे फ्लावर चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मंथ में या 15 डेज में एक बार NPK का घोल इनमें जरूर डालें, या फिर किसी भी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो बड़े साइज का फिरोकैक्टस है उससे। ये मेरा लगभग 4 फीट के अराउंड हाइट में प्लांट है, मैंने इसे काफ़ी बड़े पॉट में लगा के रखा है। ये मेरा मदर प्लांट है, लगभग इसकी एज 45 से 50 ईयर है। आगे आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्डन वैरल और अलग अलग फिरोकैक्टस को मेरी कलेक्शन में ऐड किए हुए हैं। ये काफ़ी बड़े पॉट हैं तो मैं इन पॉट को उन पॉट के साथ शिफ्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इन्हें आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।